चैनल द साइट प्रिया सिंह। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ समथिंग वेरी एक्साइटिंग। सो गाइज, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि हम लोग एवरीडे बेसिस पे कभी कभी कुछ ऐसी ड्रेसिंग सेंस रिलेटेड मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अप्रोप्रिएट नहीं दिखते हैं, ओवरली ड्रेस्ड अप हो जाते हैं, एंड कभी कभी हमारा जो ओवरऑल लुक होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा टैकी हो जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको ये ऐसे 10 स्टाइलिंग रूल्स नहीं पता है, जो कि आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो टाइटल थंबनेल देख के थोड़ा सा मिक्स कंसेप्शंस मत बनाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। ऐसे 10 स्टाइलिंग टिप्स बताने वाली हूँ जो आपकी गेम चेंजर हो जाएगा, आपके ड्रेसिंग सेंस को एक लेवल और ऊपर ले जा सकता है। सो गाइज, इंट्रो को बिना लंबा करते लेट्स जंप इनटू द वीडियो। रूल नंबर 1 इज एड पॉप ऑफ कलर। सो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही क्लासी सेक्सी सी वन पीस ब्लैक ड्रेस वेयर किया है विद ब्लैक हुप्स एंड ब्लैक हील्स, एंड आई एम कैरिंग अ ब्लैक स्लिंग बैग। ओवरऑल लुक बहुत ही प्लेन एलिगेंट लग रहा है, बट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है ना। सो मैंने ना ब्लैक हुप्स को डिच किया विथ गोल्डन हुप्स, बिकॉज थोड़ा सा यार एड ऑफ कलर इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट कि आप थोड़े से डिफरेंट दिखो, थोड़े से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़े एलिगेंट लगो। सो दैट्स वाई मैंने ब्लैक हुप्स को हटा के गोल्डन हुप्स पेयर किया, जो कि बहुत ही क्लासी लुक देता है। एंड विथ ब्लैक हील्स मैंने डिच किया ब्लैक हील्स को विथ दिस वाइट पेयर ऑफ फ्लैट्स, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा आपके ओवरऑल लुक को। सो हियर्स माय फाइनल लुक। मैंने स्लिंग बैग को भी चेंज कर दिया विद ब्राउन स्लिंग बैग, एंड आप देख सकते हो नाउ दिस होल लुक सो ओवरवेलमिंग, एंड पूरा लुक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टैंड आउट कर रहा है, एंड बहुत ही क्लासी लग रहा है, एंड बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रहा है। सो यू ऑल्सो कैन ट्राई। रूल नंबर 2 इज इंटैक्ट बैग्स। सो गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये स्लिंग बैग मैंने एक साल पहले ही मीशो से परचेज किया था, बट इस स्लिंग बैग में कुछ तो मिसिंग है ना, देख के लग रहा है ना कि बहुत ही थकेला सा, बहुत ही बेजान सा, एंड ऐसा लग रहा है ना कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। बल्कि फैक्ट ये है कि मैंने इसे 5 से 6 बार ही कैरी किया होगा बाहर, बट उसके बाद भी ये बहुत ही बेजान सा लग रहा है। वेयर एज सेम स्लिंग बैग जो कि मैंने अभी 2 महीने पहले लिया था, 3 महीने पहले, ये न्यू है आई नो, बट ये काफ़ी ज़्यादा फुली सा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है। अब इसके पीछे का राज बहुत ही सिंपल है कि इस स्लिंग बैग के अंदर मैं भर भर के जो एक्स्ट्रा फॉइल पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं ना, मैं उसे भर देती हूँ। इससे क्या रहता है ना कि आपका स्लिंग बैग या फिर आपके पास जो भी काइंड ऑफ बैग्स होते हैं ना, वो इंटैक्ट रहते हैं, वो अपने शेप में रहते हैं, एंड उसका शेप नहीं बिगड़ता। तो आप मेक श्योर कीजिए कि ना अपने स्लिंग बैग को जब भी आप यूज़ करके जब घर में आते हो लेके, तो उसके अंदर ना बचा खुचा न्यूज़पेपर कलेक्ट कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा जो भी आपके पास पेपर है ना, आप उसके अंदर भर दीजिए। इसकी वजह से ना आपका स्लिंग बैग ना काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट रहेगा, शेप्ड में भी रहेगा। इन द सेम वे ये अनदर स्लिंग बैग मैंने लिया था 3 महीने पहले, इसके अंदर भी मैं स्लिंग बैग में न्यूज़पेपर भर के रखती हूँ, सो दैट कि मेरे बैग का शेप रहे। रूल नंबर 3 इज फाइंड योर सिग्नेचर स्टाइल। सो कई बार ऐसा होता है हम लोग बहुत ही जल्दीबाजी में होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है सोचने का कि हम लोग क्या पहने। सो देयर इज यू गो, वहाँ पर आपको फाइंड करना होता है अपना सिग्नेचर स्टाइल, एंड मेरा सिग्नेचर स्टाइल इज़ अ बेसिक टी शर्ट एंड अ ट्राउज़र, बिकॉज ये इतना ज़्यादा ईजी है, इतना ज़्यादा सिंपल है, बट एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा एलिगेंट है ना कि मैं इसे कहीं पर भी, वेदर इट कुड बी फैमिली फंक्शन, फ्रेंड्स के बीच में नाइट आउट करना है, पार्टी करना है, उसके लिए ना एकदम अमेजिंग सा क्लासी सा पीस है। तो आपको भी अपना फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका ऐसा कौन सा सिग्नेचर स्टाइल है जिसे आप कभी भी पहन सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा क्लासी दिखना है, एलिगेंट दिखना है, एंड यू हैव टू लुक पुट इट टुगेदर। रूल नंबर 4 इज रिमूव लूज थ्रेड्स। सो ये शर्ट मैंने मैक से ली थी, बहुत ही कूल है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज ना कि इसके थ्रेड्स ना पोक आउट करते रहते हैं, आप देख सकते हैं खुद ही। अब इतना अच्छा ब्रांड होने के बाद भी थ्रेड्स निकले तो यार कितना ज़्यादा लो क्वालिटी लगेगा ना कपड़े। तो इसके लिए आप अपने पूरे कपड़े को ना पहनने से पहले स्कैन कर लीजिए, एंड जितने भी लूज थ्रेड्स होता है ना उसे सीजर्स की हेल्प से कट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये थ्रेड जो पोक कर रहा है माइट बी वो आगे जाके आपके पूरे ओवरऑल लुक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसकी स्टिचिंग निकाल सकता है। तो ये मेक श्योर कीजिए कि इस पर बहुत ही फोकस करना है। रूल नंबर 5 इज सैंडविच रूल।
सो गाइस, कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हमारे पास इतने सारे कपड़े होते हैं एंड हमें समझ में नहीं आता है कि यार कैसे स्टाइल करें। एक बार को तो टॉप हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं, पर टॉप पे हम लोग कौन सी जीन्स, कौन से फुटवेयर स्टाइल करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो सिंपली ना सैंडविच रूल फॉलो करो। अब सैंडविच रूल होता क्या है मैं आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको टॉप वेयर कर लेना है, आपको जिस भी कलर का टॉप वेयर करना है पहन लीजिए, पैंट्स जीन्स जो भी वेयर करना है वेयर कर लीजिए, एंड जिस कलर का आपने टॉप वेयर किया ना उसी कलर का आपको फुटवेयर वेयर करना है। ये होता है सैंडविच रूल। जैसे कि टॉप और फुटवेयर ये हो गए बाहर के ब्रेड्स, और जो ब्राउन पैंट्स हैं वो हो गई अंदर की फिलिंग्स। सो हो गया ना सैंडविच रूल। ये पूरे ओवरऑल लुक को ना बहुत ही अच्छे से स्टैंड आउट करता है एंड बहुत ही क्लासी लगता है। एक्चुअली ना रिसेंटली मुझे इसके बारे में पता चला तो सोचा शेयर कर दूँ। रूल नंबर 6 इज मैच द पैटर्न्स। सो गाइज, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही प्यारी सी टी शर्ट वेयर कर रखी है जिसमें पिंक एंड वाइट के लाइंस बन रखे हैं, बट ये पैंट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है ना। एंड अगर आपको भी कुछ ऐसे पैटर्न वाली टी शर्ट्स टॉप वगैरह वेयर करते हो तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना तो सिंपली क्या कीजिए कि जिस कलर का आपने पैटर्न वेयर कर रखा है उसके अंदर कलर फाइंड आउट कीजिए एंड उसी कलर के आप ट्राउज़र एंड पैंट्स वेयर कर लीजिए। नाउ यू कैन सी कि अब कितने अच्छे से मेरा ओवरऑल लुक कितना ज़्यादा फिनिश्ड लग रहा है। सिंपल रूल है, पैटर्न्स में जो कलर है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपके कबर्ड में उस कलर का कुछ समथिंग ट्राउज़र या फिर जीन्स या फिर पैंट्स हैं कि नहीं, एंड उसे स्टाइल कर लीजिए। बहुत ही एलिगेंट लगता है एंड ओवरऑल लुक ना बहुत ही क्लासी लगता है। रूल नंबर 7 इज़ रीपर्पस आउटफिट। सो गाइस, ये वाली ड्रेस तो आपको याद है ना, मैंने रिसेंटली अर्बैनिक से परचेज़ किया है एंड ये ड्रेस ना बहुत ही ज़्यादा क्लासी है, इतनी ब्लिंकी है, इतनी ज़्यादा चार्मिंग है ना, पहनने के बाद मज़ा आ जाता है। बट यार ऑब्वियसली इतनी छोटी है लेंथ में ना कि मैं इसे बाहर पहनने का तो सोच भी नहीं सकती। फोटोज़ में अच्छा लगता है बट इसे स्टाइल मैं अलग तरीके से करूँगी सो दैट कि मैं इसे बाहर पहन के जा सकूँ। सिंपली मैंने इसके ऊपर जीन्स डाल लिया एंड नाउ यू कैन सी कि ये एक डिफरेंट लग गया है, पूरा ओवरऑल लुक ही चेंज हो गया है। मैंने इसे ना ड्रेस को टॉप बना लिया। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई ड्रेस है जिसे आप अपनी फैमिली फंक्शंस में नहीं पहन सकते सो सिंपली ना उसे ट्राउज़र पैंट्स जीन्स के साथ स्कर्ट के साथ पेयर कर लीजिए एंड आप खुद देखोगे यार एक अलग ही डिफरेंट लुक आ जाएगा जो कि बहुत ही क्लासी दिखेगा एंड बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक एंड ओवरऑल। रूल नंबर 8 इज लुक इन द मिरर। तो घर से बाहर निकलने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आप मिरर में खुद को हर एक एंगल से देख लीजिए सो दैट कि कुछ मिस ना हो जाए। जैसे कि ये मेरे नेक पे लगी हुई सनस्क्रीन, अभी देख लिया तो सही था वरना बाहर जाके मैं एम्बैरेस्ड हो जाती। इन द सेम वे अगर आपकी कोई ड्रेस की जिप खुल गई है, बाय चांस आपने मिस कर दिया उसे पहनना, तो हर एक एंगल से आपको एटलीस्ट पता तो होगा ना मिरर में। अगर आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं पीछे बैक पोर्शन से तो मेक श्योर कीजिए कि आप ना घर से स्टेप आउट करते टाइम मिरर में पक्का देखें। रूल नंबर 9 इज फाइंड योर स्किन टोन। तो अगर वेन्स ब्लू कलर की है सो कूल अंडरटोन में आते हो, ग्रीन कलर की है सो वार्म अंडरटोन में, एंड अगर बोथ दिखती हैं तो न्यूट्रल टोन में, जो कि मेरी है। सो इस काइंड ऑफ लुक आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपस्टिक्स इंजॉय कर सकते हो। जैसे अगर कूल टोन में आते हो तो आप डार्क लिपस्टिक्स इंजॉय कीजिए एंड अगर आप वार्म अंडरटोन में आते हो तो आप लाइट काइंड ऑफ लिपस्टिक्स इंजॉय कर सकते हो, इससे आप बहुत कूल दिखेंगे। रूल नंबर 10 इज इन्वेस्ट इन फॉर्मल्स। सो गाइज, गर्ल्स के लिए फॉर्मल्स में आता है बेस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे, दैट इज शर्ट्स। सो गाइज, हर एक लड़की के पास शर्ट होना तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में फॉर्मल्स नेसेसरी हो जाते हैं या फिर अगर आपका कोई इंटरव्यू है, अगर कॉलेज में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पर बेसिकली आपको फॉर्मल्स पहनने हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक फॉर्मल शर्ट होना ही चाहिए। बेसिक में हो, चेक प्रिंट्स में हो, बट शर्ट्स होना ही चाहिए बिकॉज ये आपके ओवरऑल लुक को ना बहुत ही क्लासी बना देता है, बहुत ही शीक लगता है एंड बहुत ही स्टैंड आउट भी। And that's the end of this video. Hopefully, guys, आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। So do let me know कि आपको किस kind of videos देखनी है and आज के जो भी styling rules है ना उसके लिए आपको कुछ extra खर्चने की भी जरूरत नहीं है, बस आपके पास जो है ना आपको उसी को एक level ऊपर जाके थोड़ा सा दिमाग लगा के स्टाइल अप करने की बस जरूरत पड़ेगी। So वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।